दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यात्री द ट्रैवलर पर, और मैं हूं आपका अपना अविनाश त्रिपाठी। दोस्तों पीछे ये जो आप गेट सा देख रहे हैं, ये है बेलूर मठ। बेलूर मठ के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, हावड़ा में है। तो दोस्तों आज हम बेलूर मठ देखेंगे, बहुत ही अच्छा और इन्फॉर्मेटिव और बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें प्लीज़ और इन्जॉय करें। बेलूर मठ को दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने जनवरी 1897 में स्थापित किया था, और ये वर्ल्ड वाइड जाना जाता है सर्वधर्म एकता के लिए। इसका जो आर्किटेक्चर है वो हिंदू इस्लामिक बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन आर्ट का मिश्रण है। शोरूम एवं विक्रय केंद्र, ऐसी है कुछ एंट्री बेलूर मठ। कोलकाता या हावड़ा आने के बाद बेलूर मठ जो है वो एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है दोस्तों कोलकाता में। ये स्वामी विवेकानंद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। चालीस एकड़ के एरिया में फैला हुआ है बेलूर मठ का कैंपस। रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर रेजिडेंशियल कॉलेज है। बेलूर मठ मेन गेट, ये रिसेप्शन सेंटर है अगर कोई इंक्वायरी करनी हो। ये अभेदानंद कन्वेंशन सेंटर है। बहुत अच्छी जगह लग रही है, बहुत शांत वातावरण है एकदम। मठ है, ये वही कन्वेंशन सेंटर की बिल्डिंग, अभेदानंद कन्वेंशन सेंटर। पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, कहीं कोयल की आवाज़, एकदम अच्छा, बहुत शांत वातावरण। यह है शारदानंद भवन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ रामकृष्ण मठ एंड रामकृष्ण मिशन। ये रामकृष्ण म्यूजियम है, लेकिन यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। खुलने का टाइम भी 8:30 से है, लेकिन अभी 8 बजा है, देखते हैं बाद में आकर के देखते हैं। आत्मनो मोक्षार्थ जगत दीताय च। रामकृष्ण विवेकानंद एंड वेदांत लिटरेचर। सामने गंगा नदी है। ये स्वामी रामकृष्ण मंदिर है। मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है, अंदर से बिल्कुल शांत, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। और वहाँ पे स्वामी रामकृष्ण की एक मार्बल की मूर्ति है, और उनके भस्मा अवशेष हैं रखे हुए। ये स्वामी विवेकानंद का लिविंग रूम है। सीढ़ियाँ चढ़ कर के ऊपर लिविंग रूम है, जहाँ उनकी टेबल, चेयर, उनका बेड और कुछ और चीज़ें रखी हुई हैं, और यहीं पर उन्होंने महासमाधि ली थी 4 जुलाई 1902 को।
ये आम का पेड़ शुरू से ही यहाँ है और स्वामी विवेकानंद को ये बहुत पसंद था। वो अक्सर इस पेड़ के नीचे खाट बिछा करके अपना काम किया करते थे। ये लिविंग रूम है, उस सामने मैंगो ट्री है और उधर पुराना मंदिर और ऑफिस प्रेमिसेस हैं मठ के। ये चारों तरफ का वातावरण देखिए, ये नदी है, ये मंदिर है, बिल्कुल शांत वातावरण। ये स्वामी विवेकानंद मंदिर है, यहीं पर स्वामी विवेकानंद का अंतिम संस्कार किया गया था। यहीं प्रेमिसेस में ये जो सामने देख रहे हैं स्वामी ब्रह्मानंद का मंदिर है, ये जो इधर है माँ शारदा का मंदिर है, ये स्वामी विवेकानंद का मंदिर है। ये हुगली नदी है दोस्तों, मैंने पहले गंगा बोला था, गलत है, ये हुगली नदी है, लेकिन है गंगा की ही ट्रिब्यूटरी। डुबकी भी लगा सकते हैं बशर्ते पानी का बहाव ज़्यादा तेज ना हो। देखिए कोयल की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। ये रामकृष्ण संग्रहालय मंदिर है, म्यूजियम है, एक छोटा सा म्यूजियम है, बहुत अच्छा है, देखने लायक है। हालांकि यहाँ पे फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है, केवल 5 रुपये का टिकट लगता है और वहाँ स्वामी रामकृष्ण और उनके जो शिष्य स्वामी विवेकानंद और माता जी और ब्रह्मानंद जी और जो दूसरे शिष्य उनके रहे हैं, तो उनके सब के द्वारा जो यूज़ की हुई चीज़ें थी, आर्टिकल्स थे, वो वहाँ पर रखे हुए हैं। तो पुराने आर्टिकल्स हैं, देखने में एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है, अच्छा लगता है, थोड़ा सा नॉलेज मिलती है, पता लगता है पुराने टाइम के किस किस तरह की चीज़ें यूज़ वो करते थे। देखने लायक है कुल मिलाकर के। ये रामकृष्ण मिशन पल्ली मंगल शोरूम है, एक छोटा सा, अच्छे आर्टिकल्स हैं, मैंने देखा है अंदर से। और ये फेरी घाट का रास्ता है, फेरी घाट चलते हैं। ये एक छोटा सा शोरूम है, यहाँ पे विलेज हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स हैं, मोस्टली कपड़ों के हैं, कपड़े हैं, साड़ी वगैरह हैं, रूमाल, अंगोछे और विलेज प्रोडक्ट्स हैं। कुछ मसाले भी हैं, कुछ धूप हैं, शहद है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये पीर दरगाह है, ये बेलूर मठ से बाहर निकलने के बाद नारियल की शॉप मिली तो मैंने एक नारियल लेकर के पी रहा हूँ। ये फेरी के लिए है, आपको टिकट लेना है यहाँ से, 11 रुपये का टिकट लगता है।
बाग बाजार। अच्छा, ये अलग अलग है, यहाँ से अलग अलग फेरी जाती हैं। मैंने लिया है दक्षिणेश्वर जाने के लिए जेटी नंबर 2। थैंक यू। ये आप दक्षिणेश्वर के लिए फेरी, यहाँ से थोड़ा सा सिस्टमेटिक है, अच्छा लगा। आपको कूपन मिलता है, 11 रुपये का टिकट है और फिर एंट्री है। जैसे आपने मेट्रो स्टेशंस पे देखा होगा दिल्ली में, यहाँ जहाँ और भी मेट्रो स्टेशंस होते हैं तो उसी तरह से यहाँ एंट्री है। और ये सामने फेरी है, इसमें चलना है। तो फेरी में प्रवेश हो गया है, बैठने के लिए भी है, आप खड़े होकर भी जा सकते हैं। लाइफ जैकेट्स नहीं दिखाई दे रही हैं लेकिन ये है। ये फेरी से एक नज़ारा है यहाँ के घाट का। फेरी स्टार्ट भी हो गई है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। फेरी में ही अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ भेलपूरी टाइप से कुछ खाना है तो वो बिकता भी है। गुड, देख सकते हैं फेरी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, हम चल चुके हैं दक्षिणेश्वर मंदिर के लिए। फेरी वो है, एक उधर वो है। सामने बेलूर मठ, वो घाट, यहां से करीबन आधा घंटा लगता है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। ये एक ब्रिज है, इस ब्रिज के नीचे से जाएगी हमारी फेरी।
फेरी है। जाने वाले लोगों की लाइन देखिए, किनारे से काफी दूर पड़ता है, एकदम बीचों बीच लगभग लगभग छोड़ देते हैं। ये देखिए काफ़ी लंबा पैसेज है। और लीजिए हम फिर से कोलकाता में आ गए हैं, कोलकाता साइड है ये, हुगली रिवर के एक तरफ हावड़ा है एक तरफ कोलकाता है। ये आ गए हैं फेरी घाट से बाहर, नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द टेंपल। ये यहाँ पे टिकट काउंटर है दक्षिणेश्वर घाट की तरफ। फेरी से निकल के बाहर आते हैं तो ये जो मंदिर के बाहर जिस तरह से जो शॉप्स होती हैं वो शॉप्स हैं यहाँ भी। ये स्काई वॉक है दक्षिणेश्वर रानी रासमोनी स्काई वॉक। और ठीक मंदिर के सामने है, ये हमारा मंदिर का एंट्री है। ये एंट्री गेट है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। ये मंदिर में जाने से पहले शूज उतारने होते हैं तो शूज काउंटर है। दोस्तों मंदिर के अंदर मोबाइल फोन्स बैग्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। मोबाइल फोन्स स्पेशली वो आपसे बाहर ही जमा करने होते हैं। बैग तो फिर भी उन्होंने मेरा छोटा बैग था अलाउड कर दिया, लेकिन मोबाइल जो है वो बाहर ही काउंटर पे जमा करते हैं। 3 रुपये पर नग लेते हैं, चप्पल जूते हो मोबाइल हो या बैग हो जो भी हो। तो काली माता का मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत रश रहता है लेकिन नीट एंड क्लीन, बहुत साफ़ सुथरा। यहाँ एक्चुअली एक काली माता का मंदिर और है और एक ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, तो ये दोनों ही फेमस हैं और बहुत पॉपुलर हैं और टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं। तो अंदर लाइन लग के काली माता का मंदिर है, आराम से दर्शन हो जाते हैं, लाइन में चलते रहिए। और जाने से पहले अगर आप कुछ प्रसाद वगैरह या कुछ लेना चाहते हैं तो यहाँ ये काउंटर बने हुए हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। प्रसाद है, फूल है, आप जैसी श्रद्धानुसार मंदिर के लिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इधर भी हैं, मैंने इधर ध्यान नहीं दिया था लेकिन यहाँ भी वही आउटलेट्स हैं। तो यह है कॉम्प्लेक्स जहाँ ये आउटलेट्स बने हुए हैं, एक जैसे आउटलेट हैं, सभी पर एक जैसा सामान है प्रसाद फूल वगैरह चढ़ाने के लिए। और ये एक मार्केट है, धूप है, सब अपनी अम्ब्रेला लगा के बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी वही
पाठ पूजा संबंधी सामान सारी चीज़ें मिलती हैं, आप जो चाहें वो ले सकते हैं, यहाँ से लेकर के जा सकते हैं। ये एक दो खाने के आउटलेट्स भी हैं, भेलपूरी, पकड़ी चाट, आइसक्रीम वगैरह, ये लीजिए काफ़ी कुछ है। फ्रूट चाट ये सब काफ़ी कुछ खाने को है। ये पार्किंग एरिया है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स लग रहा है जहाँ शॉप्स हैं। यस, ये भी है, यहाँ कई तरह की शॉप्स हैं, आप इस तरह का सामान, माता का मंदिर है, सामान सब यहाँ, देखिए उधर भी है, काफ़ी कुछ सामान है, ये देखिए, तो काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत दुकानें हैं। पाठ पूजा का सामान ज़्यादा है, और कॉम्प्लेक्स लेकिन काफ़ी बड़ा है। और यहाँ से बाहर निकलेंगे तो सामने भोजनालय है, फूड प्लाजा है, यहाँ भी अलग अलग काउंटर हैं, क्या है अंदर जाके देखना होगा। कुल मिलाकर के देखने में लग रहा है कि यहाँ काफ़ी कुछ होगा खाने को, और पेट भर के आप खा सकते हैं। मेरी भी कुछ ऐसी ही प्लानिंग है। ये भोजनालय, यहाँ पे भी ये अलग अलग आउटलेट्स हैं एक्चुअली। इधर से फेरी मिलती है, ये मंदिर है, और ये स्काई वॉक। ये स्काई वॉक, वहाँ पर स्टॉल्स बने हुए हैं, यहाँ भी आप देखिए कैसे स्टॉल्स हैं, सब पाठ पूजा वाला ही सामान है। दोनों तरफ आउटलेट हैं, वो देखिए उधर भी हैं और इधर भी हैं। और लोग यहाँ से सामान भी लेते हैं, खरीदारी कर रहे हैं। ये स्काई वॉक से नीचे का थोड़ा सा, ये स्काई वॉक आगे दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन है शायद, वहाँ के लिए है, और ये बस स्टैंड के लिए, तो मुझे पकड़नी है बस, तो मैं चलता हूँ यहाँ बस स्टैंड की तरफ।
दोस्तों आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आज आपने बेलूर मठ देखा, दक्षिणेश्वर काली मंदिर देखा और एक फेरी राइड देखी। तो कुल मिलाकर ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों मिलेंगे अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु आशीर्वाद।